नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत कठवर में, एक दूसरे हिस्से में। रामपुरा से अभी हम लोगों ने पिछली क्लिप आपको दी और अब इस समय हम लोग कठवर में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं सामने में, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। वोटिंग वहाँ पर चल रही है, लगातार वोटिंग इस समय पूरे तीसरे चरण की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और लगातार वोटिंग परसेंटेज अच्छा आ रहा है। अभी तक जो आंकड़े निकल करके आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी से पूछते हैं कि आखिर 2022 में वो लोग किन मुद्दों पर आज के इस विधानसभा चुनाव में अपना वोट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल आर भारत जर्नलिस्ट को अपना सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। भैया क्या नाम है? रूपेंद्र जैन। तो जैन साहब, क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी आगे की तरफ निकलेगी, या ये ना बताना चाहें तो ये बता दीजिए कि किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? मुद्दे तो वही हैं, गुंडई और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखा जाए तो भाजपा सरकार ने इन 5 सालों में बहुत ही विकास किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे रोड रे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में। अब अगले 5 वर्ष जैसे ही बीजेपी सरकार बनती है तो ललितपुर ज़िले में इतना रोज़गार होगा कि आदमी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन हवाई अड्डा आने वाला है। लेकिन बीते जो 5 वर्ष रहे इनमें सरकार कहीं ना कहीं रोज़गार देने में सक्षम रही है, लेकिन इतने रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाई जिससे लोगों में ये लगे कि रोज़गार आ रहा है। 4,35,000 नौकरी एक दिन आज तक के इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी आकर के कहते हैं, लेकिन 2 करोड़ के सापेक्ष 4,35,000, तो क्या ये नौकरियां इनसे युवाओं का भविष्य तय हो जाएगा? 4 लाख नौकरियां दी हैं योगी सरकार ने, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम रोज़गार देंगे। अभी स्टार्टअप की बात की जाए तो जो छोटे उद्योग हैं गांव स्तर पर चल रहे हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से भी, चाहे लेडीज हों वो अपने माध्यम से रोज़गार का सृजन कर रही हैं। अब ये थोड़ी होता है कि भाई रोज़गार सभी को नौकरी मिल जाए। अगर सभी को नौकरी दे दी जाए तो फिर कोई जनता ही नहीं बचेगी, सभी ऐसे सरकार से रोज़गार लेने लगेंगे। मतलब 2022 का चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देंगे? जी जी, मैं भारतीय। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? आप अपना नाम बताएं। भैया क्या नाम है? महेंद्र यादव। तो महेंद्र यादव जी, क्या लग रहा है 2022 में आपकी इस पोलिंग से कौन चुनाव जीतने जा रहा है? अखिलेश जीतेंगे। तो आप किसकी तरफ वोट देंगे? हम तो साइकिल में देंगे। तो ऐसा क्यों कि साइकिल को वोट देंगे? क्या मुद्दे गांव में ऐसे रहे जो ये सरकार 5 साल के अपने कार्यकाल में नहीं करा पाई? चलिए, ये इन्हें पता नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? जी राजेश यादव नाम है हमारा। तो राजेश जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 17 से 22 के मध्य में सरकार ने कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो नहीं किए हैं तो वोट किसको देंगे 2022 में? अब वोट दे दें जी की समझ में आए। चलिए, वोट किसी को भी दे दीजिएगा, लेकिन गाँव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या विकास भाव, हमारे तो जैसो चल रहा हो जैसे चल रहा हो, क्या विकास होगा? तो कोई विकास कार्य आपके यहाँ नहीं हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, मेन रोड है, हालांकि इस पर सीसी या किसी भी तरीके से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में, मैं केवल आपकी पोलिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी पोलिंग पर मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस पर जनता वोट कर रही है इस बार? अब जो नहीं हम जाना था। चलिए, तो हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? हमारा कृष्णपाल सिंह। तो कृष्णपाल सिंह जी, क्या सोचकर जनता वोट कर रही है अब की बार इस चुनाव में कठवर में? कठवर गांव में ये सोचकर वोट कर रही है जी कि अभी तक जो विधायक जी हमारे राम रतन कुशवाहा जी थे जी, तो हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं जी, कि गांव तक आए वो किसी को खबर ली। इसलिए हम लोग बीजेपी में वोट तो नहीं कर सकते हैं जी। हम लोग अब रहा अपना अपना सवाल, किसको कहां वोट करना है जी, तो हम तो BSP का वोट देंगे और तो हमारी तरफ से बहन जी का शासन बढ़िया है। चलिए, इनकी तरफ से बहन जी का शासन बढ़िया है, BSP को वोट देंगे। क्या नाम है चाचा जी? सुरेश यादव। तो सुरेश यादव जी, किस कौन सी तरफ आपको अपनी पोलिंग से कौन हावी होते हुए दिखाई दे रहा है? साइकिल दिखा रही है। तो समाजवादी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं जी? तो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्या विकास कार्य नहीं हुए या कुछ और समस्याएं रही? बीजेपी ने जिस दिन से 5 साल की सरकार में कुछ विकास नहीं किया है, और जब अखिलेश जी हते तो उनने बहुत सो विकास किया है, जगह जगह पर जो
मंडी खोली उनने, इनने गंग में पेड़ दी उनमें। तो कोई विकास कार्य आपके गांव में नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो आने वाले 2022 के चुनाव की जो आज मतदान हो रहा है, इसमें आप समाजवादी पार्टी को वोट? समाजवादी पार्टी। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं भैया, क्या नाम है? त्रिवेंद्र राजा। तो त्रिवेंद्र राजा जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें कौन से प्रत्याशी को आप वोट देना चाहते हैं अपने इस कठुआर ग्राम पंचायत में? हम लोगों को तो नया विधायक चाहिए, युवा चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, विकास करा सके। अभी पिछले 5 साल में ना तो कुछ विकास हुआ है, बीजेपी काम करती है, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं ना, वो विकास करा सकते ना करा पाएंगे। 5 साल में हमारे गाँव में देख लीजिए, पूरी पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ऐसा विधायक चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जो विकास करा सके, सक्षम तो हो, खुद एक्टिव हो। हम लोगों तो बीएसपी को वोट देंगे, हमारे गुड्डू राजा जिंदाबाद। चलिए, तो लोग थे यहाँ पर, तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने अपनी राय दी, और भी लोगों से उनकी राय लेते हैं कि आखिर वो लोग 2022 के चुनाव में आज मतदान जो चल रहा है, इसमें कौन सी पार्टी की तरफ वो अपना वोट करेंगे। भैया क्या नाम है जी? रमेश अहरवार। तो रमेश अहरवार जी, 2022 का चुनाव है, इसमें कौन सी पार्टी की तरफ अपना मत डालेंगे? जी साहब, मत तो चलिए ये ना बताइए किस पार्टी को डालेंगे, आप ये बताइए किन मुद्दों पर डालेंगे। क्या गांव में विकास हुआ है, क्या गांव में कोई रोज़गार आए हैं, या कोई ऐसी व्यवस्थाएं मिली हैं जिनकी वजह से आप वोट डालेंगे? जी सर, हम अहरवार हैं जी। जी, हम अपनी पार्टी तो छोड़ नहीं सकते जी। जी, जी? बहुजन समाज पार्टी। हाँ, लेकिन जी सर, यहाँ कोई जीत के नज़र नहीं करता है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी। आज तक कोई जीत करके आया नहीं? नहीं, वापसी नहीं आता है। तो ऐसे विधायक को आप लोग क्यों चुनते हैं लगातार, कि वो कभी जीत जाए तो आता ही नहीं है? और सही बता दें, पोलिंग शो अभी आधा मतदान हो गया है, बीजेपी की पोलिंग जीत रही है जी, पक्का। अच्छा, बीजेपी ये पोलिंग जीत रही है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने अपनी राय दी, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है दादाजी? मेहरबान। तो मेहरबान जी, क्या लग रहा है 2022 में यहाँ अपनी कठुआर पोलिंग से कौन चुनाव में आगे की तरफ निकलेगा? अब हम तो साहब साइकिल निकालने चाहते हैं, और वे विकास करते हैं कि जो अखिलेश ने करा, वो कोई मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया है साहब। तो बीते जो इतने साल रहे, 5 वर्ष में कोई योजनाएं आप लोगों को नहीं? योजना नहीं आई है, आई ऐसी तो खा लें अथफर में, कई 1000 रुपये आ सौ 500 आप आओ साहब हमारे के पास में, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा उससे फायदा एकदम हो गई। तो आप लोग अखिलेश यादव को चाहते हैं? अखिलेश यादव को चाहते हैं हम लोग। चलिए, तो इस समय हम लोग मौजूद थे ग्राम पंचायत कठुआर में, जहां से हम लोगों ने राय दी, सामने पोलिंग है, और वो यहीं से तमाम लोग यहां पर जुटे थे, तमाम लोगों की राय हमने दिलवाई। आगे आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल आर एल बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।